मेडिकोज आई एम अंकिता लुनावत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द लर्निंग मेडिको आज के वीडियो में हम देखेंगे क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस इसकी पहली वाली वीडियो में हमने एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या है उसकीलॉजी क्या है वो हमने इन डिटेल देखा था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए अगर आपको वो वीडियो समझ में नहीं आई होगी तो आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा सो दिस इज़ क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस

सो वॉट इज एटियोलॉजी एटियोलॉजी इसकी पूरी सिमिलर है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के सो so, मैंने वो उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी तो मैं वो वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी तो आप वो वीडियो देख लीजिए सो वॉट आर द सिम्टम्स फर्स्ट इज रिकरेंट पेन इन द थ्रोट ड्यू टू एक्यूट अटैक्स ऑफ टॉन्सिलाइटिस पेन होगा जब भी पेशेंट को एक्यूट अटैक होगा टॉन्सिलाइटिस uh, का तब उसको पेन होगा बीच में के पीरियड में उससे ज़्यादा पेन नहीं होगा बट थोड़ा बहुत होगा बट एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का, का जब अटैक होगा तब पेशेंट का पेन बहुत बढ़ जाएगा कफ इज़ ऑफन प्रेजेंट कफ दिखाई देगा हमें कफ इज़ नॉट सीन इन एक्यूट टॉन्सिलाइटिस रिमेंबर दैट टॉन्सलर कैप्सूल अब ये बहुत क्रोनिक हो जाएगा वहाँ पर टॉन्स में बहुत ही चीजी सा मटेरियल हो जाएगा और उसकी वजह से फाउस में ला जाएगी क्विजेंट फेज द पेशेंट में हैव अ वेगू डिस्कंफर्ट इन द्रोट विथ इटेशन एंड ऑफन द पेशेंट इज कम्प्लीटली क्विजेंट फेज मतलब शांति टॉन्सिलाइटिस का अटैक होगा दूसरा जो बीच में का फेज होगा उसे हम हैं उसमें को कुछ सिम्टम्स भी नहीं दिखाई देंगे uh, इसमें भी दो टाइप है क्रोनिक पैरेंटिस टॉन्सिलाइटिस एंड क्रोनिक फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिसमसिलइटिस में क्या होता है हाइपोट्रोफिक टिश्यूज आर कंजेस्टेड एंड पर्टिकुलरली ऑन द एंटीरियर पिलास टिश्यूज जो है कंजेशन 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 इट इज देयर इन टॉन्सिलाइटिस एंड अक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस में पियर नॉर्मल एंड नॉर्मल और स्मॉल एंड फाइब्रोस्टिक इट मी शोज अ पैरेंटमेटस में क्या होता है इतना याद रखिए दो, दोनों दोनों साइड पे एक्यूट में भी और क्रोनिक में भी पैरेंटमेटस में क्या होता है कंजेशन होती है एंड फॉलिकुलर में चीज़ी मटेरियल पर्स फॉर्मेशन होता है येलो चीजी डेबरिज तैयार होता है स्क्विजिंग जब टॉन्सिस को स्क्विज किया जाता है तो उसमें हमें पर्स दिखाई देगा एंड दिस शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द लिम्फैटिक फ्लूड विच में कम आउट ऑफ द नॉर्मली लिम्फैटिक टिश लिम्फैटिक फ्लूड भी आ सकता है बट इसलिए हमें वो डिस्टिंग्विश करना विच इज़ द पर्स एंड विच इज़ द लिम्फ़ैटिक टिशू लिम्फैटिक फ्लूड नेक्स्ट इज द रिटेंशन दिस अपीयर्स एज येलो एसिस्टिक येलो स्वेलिंग कंटेनिंग येलो फ्लू फॉर्म होते हैं और वहां पर हमें डेबरीज दिखाई देता है नोड्स पर्सिस्टेंट एंड लार्ज जिगुलो डाइगेस्ट्रिक आर सिग्निफिकेंट साइन सेप्टिक फोकस क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में प्रोड्यूस इफेक्ट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी

डिस्टिंग ऑर्गन्स को अभी उसे पेशेंट को एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इट में ऑल्सो कॉल फेरेंजाइटिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ऐसे सेप्टिक फोकस तैयार हो जाएगा वो एक एक सोर्स तैयार होगा जहां से ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं दूसरे पार्ट्स में भी ट्रीटमेंट क्या होगी इसमें होगा फर्स्ट इज न्यूट्रिशनल डाइट एंड विटामिन हमें पेशेंट का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा एंटीबायोटिक्स एंड एनाजिस जब एक्यूट अटैक्स आएंगे तो पेशेंट को पेन होगा इसलिए एनालिजिस भी दिए जाएंगे और एंटीबायोटिक्स भी दिए जाएंगे टॉन्सिलेक्टोमी इज एडवाइज डायरेक्टली टॉन्सिलेक्टॉमी इज एडवाइस जब बहुत रिकरेंट अटैक्स आते हैं क्रोनिक टॉन्सिलइटिस के सो क्विक रिविजन आज हमने देखा वॉट इज क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस इथियोलॉजी इज़ वेरी सिमिलर टू अक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस की फिर हमने क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस के सिम्टम्स देखे साइंस देखे एंड इट्स ट्रीटमेंट सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो होप यू लर्न द टॉपिक वेरी वेल इफ सो देन प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल द लर्निंग मेरी को थैंक यू